जेल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने की हड़ताल, लेबर रूम में मामले को लेकर है रोष में। किशनगंज थाने में मामला दर्ज। कुछ दिनों पहले लेबर वार्ड में डॉक्टरों द्वारा मरीज के परिजन के साथ मारपीट का मामले सामने आया था, जिस पर किशनगंज थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। इस मामले पर जेल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल करी है। इनका कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने भी बिना जाँच के मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की है। जब तक मामले का निस्तारण न होगा, कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसी कड़ी में कल रात इमरजेंसी में दो व्यक्ति आए। रेजिडेंट डॉक्टर किसी और को देख रहे थे, जितने में व्यक्ति डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर का कहना है कि कार्य के दौरान हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। पिछले काफी दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग थी, 3-4 दिन से, जो कि प्रशासन ने बहुत ही जल्दबाजी में लेबर रूम के अंदर जो एक छेड़छाड़ का आरोप किसी ने दुर्भावना से लगाया और पुलिस प्रशासन ने उसकी बिना जांच करे, उसकी सत्यता की जांच करे, बिना आनन फानन में राजनीतिक दबाव के चलते FIR लेके और जिस तरह से अपने दलबल के साथ में लेबर रूम के अंदर दबिश दी, उससे समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा रोष व्याप्त है, डिप्रेशन की भावना है और काम करने में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उसको लेकर के प्रशासन से हमेशा ये मांग रही कि आप पहले किसी न किसी हायर अथॉरिटी से, जो भी इस कंसर्न मेडिकल कॉलेज के जो जनाना इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उनको इन्फॉर्म करके आप प्रॉपर चैनल उसकी सत्यता की जांच करते, क्योंकि जहां पे आरोप लगाया गया है वो लेबर रूम के अंदर छेड़छाड़ का लगाया गया है, जो कि एक बिल्कुल ही एक ऐसा एरिया होता है जहां पे कि 90% फीमेल वर्कर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, ऐसी जगह वो चीज़ असंभव है। और जिस तरह के आरोप हैं, FIR दर्ज करवाई गई है, दुर्भावना से प्रेरित है और उसको लेकर के हमारी प्रशासन से ये मांग है कि उस FIR जो फेक FIR है उसको ड्रॉप किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं इसके पीछे इस पूरे घटनाक्रम में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सर, वार्ता भी नहीं आज, आज की वार्ता रही लेकिन प्रशासन से कोई सहमति नहीं बन पाई। प्रशासन इस मामले की सत्यता की गहराई में जाना ही नहीं चाहता, बस वो तो आनंद फानंद में FIR के अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं। आगे यही है कि जो हमारी प्रशासन से मांगे कि जब तक कोई सकारात्मक चीज़ें निकल के नहीं आती हम लोग कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे, क्योंकि हम उस मानसिक स्थिति में नहीं है कि जब लेबर रूम जैसी जगह पे हम लोग सेफ नहीं हैं तो फिर और जगह की हम क्या बात करें। आपका नाम? डॉक्टर सतीन सिंह, प्रेसिडेंट RD अजमेर।